हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गई आपके सामने उसी टॉपिक पे जो सबने एक टॉपिक को च्युइंगम बना रखा है। तो मैं भी एक बार फिर से उस टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि राजवीर जी के एक्सीडेंट का आप मजाक उड़ा रहे हो, आप राजवीर जी के एक्सीडेंट पर व्यूज़ खा रहे हो, राजवीर जी के नाम पर आप अपना यूट्यूब चला रहे हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि कह रहे कि राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ है और उनके घर वालों ने कंफर्म करा है, उनके रिश्तेदारों ने कंफर्म करा है और कॉल भी जो है वो लीक हो रही है, किसी ने ऑडियो लीक करी है उनकी, मतलब रिश्तेदार से बात करते हुए। मैं आपकी सारी बात मान गई, न्यूज़ में भी आ गया और कॉल रिकॉर्ड भी आपने लीक करी है किसी ने भी, ठीक है, उनके रिश्तेदारों से भी आप लोगों की बात हो गई है। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि देखो, रिश्तेदारों से बात हुई है तो आप लोग ये नहीं बोल पाए रिश्तेदारों से कि एक फ़ोटो हमें वहाँ की या एक छोटी सी वीडियो बना के हमें फेसबुक पे डाल दो, ठीक है, या ऐसी मतलब वीडियो या फोटो ही खींच के डाल दो, ठीक है, ये किसी ने नहीं बोला। न्यूज़ में छपी है फ़ोटो, तो वो भी राजवीर जी की नॉर्मल फ़ोटो जो राजवीर जी ने खुद खींची थी, ठीक है। और आप कैसे मान सकते हो, आपको क्या पता कि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे बात हो रही है, किसी ने भी कॉल मिला के और बात कर ली, वही लीक कर दी और वही रिकॉर्डिंग, सिर्फ एक ही कॉल रिकॉर्डिंग सब में फैल रही है। बताओ ऐसी कौन सी है कि जी अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग बातों में सबकी एक ही कॉल रिकॉर्डिंग फैल रही है, ठीक है। दूसरी कह रहे कि भाई गाँव वाले सब बोल रहे हैं कि हाँ ये सब हुआ है, तो उन गांव वालों से एक भी वीडियो या फोटो नहीं खींची गई किसी से भी। भाई एक तो वीडियो फोटो खींचते हैं आप, कैसे मतलब इतने दिनों से एक ही चीज चलती आ रही हो और उसके बाद भी लाखों फोटो वीडियो बन रही है, तो उन लाखों वीडियो में एक भी सच्चाई वाली वीडियो क्यों नहीं है, आप मुझे बताओ। आप लोग सिर्फ इसी बात पे सच मान के बैठ गए कि राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ है। आप इतने सारे गांव में लोग होते हैं, इतने सारे, एक ने भी वीडियो फोटो नहीं डाली है, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं उनके घर वालों ने कंफर्म कर दिया और सपना चौधरी उनकी बहन, उनकी वाइफ, उनकी भाई ने भी कंफर्म कर दिया। भाई ने एक मैसेज में लिख दिया, क्या भाई ने एक फोटो नहीं खींची होगी या वीडियो नहीं बनाई होगी, जबकि सूरज जी का ऐसा हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो उनकी फोटो वीडियो सारी है, ठीक है, राजवीर जी की एक भी नहीं है। ऐसा क्यों, एक तो फोटो वीडियो राजवीर जी की होनी चाहिए, होती और होगी, अगर ऐसा हुआ है तो होगी, अगर नहीं हुआ ऐसा तो कौन खींचेगा, कोई यूं थोड़ी बोलेगा कि राजवीर जी ऐसे लेट जाओ तुम्हारी फोटो खींचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उस टाइम पे ऑटोमेटिक लोग खुद फोन निकाल के अपना, और एक्सीडेंट की तो जल्दी वीडियो फोटो बनाते हैं और जल्दी वायरल होती है, तो उनकी क्यों नहीं खींची, अगर ऐसा एक्सीडेंट है तो क्यों नहीं खींची। और आप लोग कह रहे हो कि वीडियो बना बना के डाल रही है, व्यू खा रही है, तो मुझे व्यू की टेंशन नहीं है ना, मेरे को व्यूज की जरूरत है। मैं तो अभी कुछ टाइम से मैंने यूट्यूब चालू करा है, मुझे तो पता ही नहीं था, बट जो सच है मैं तो वही बता रही हूँ कि मैं उनके उस पर व्यू नहीं खा रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। अब सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है कि एक तो सच्चाई की जीत पर चलो, एक भी फोटो नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा मुझे कोई भी एक एक्सीडेंट बता दो। नॉर्मल आजकल तो नॉर्मल डेथ होती है ना, उसकी भी वीडियो बना के डाल देते हैं यूट्यूब पे, तो राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ है और इतने मतलब इतनी बेवकूफ वाली बातें कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे इतना समझ नहीं आता। भाई उनके गाँव में किसी ने फोटो खींची है तो मंगाओ कि हाँ भाई एक आध फोटो तो भेजो, जब लोग उनके घर पे कह रहे हैं कि हम उनकी रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे बात करके ये नहीं बोल सकते हो कि एक फोटो या वीडियो बना के हमारे व्हाट्सअप ही कर दो, हमें व्हाट्सअप कर दो, हम डाल देंगे, आप मत डालो, ये नहीं बोला जा रहा। बस सीधी बात, किसी की लीक हुई रिकॉर्डिंग तो वो चेप दी, ठीक है, किसी का कुछ वो हुआ वो चेप दिया, पर सच्चाई अभी तक किसी की भी नहीं लीक हुई है, सच की कोई भी लिखना, एक्सीडेंट की कोई लीक हुई ना कहीं की एक बार लीक हुई। तो मेरा बस कहना यही है कि जब तक राजवीर जी खुद आकर ये नहीं बोलेंगे तब तक मैं वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है। और राजवीर जी को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ये फालतू बातें करना बंद करें, राजवीर जी को कुछ भी नहीं हुआ है, राजवीर जी ठीक है, और ठीक है थोड़ी बहुत परेशानी होगी, नहीं आ रहे, आ जाएंगे, आएंगे, कभी भी आएंगे, बट आएंगे, और मैं सिर्फ उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ कि वो आए और जो झूठ खबर फैला रहे ना उनके मुंह पे तमाचा मारे, क्योंकि झूठी खबर हमेशा ना छोटी होती है।
सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और राजवीर जी आएंगे, राजवीर जी को कुछ नहीं हुआ, बस मैं आप लोगों से यही प्रे कर रही हूँ कि उनके लिए प्रे करो कि किसी भी मुसीबत में है वो पूरी फैमिली या वो, तो प्लीज़ जल्दी से भगवान उनकी हर परेशानी को दूर करे और जल्दी से जल्दी आए। बस मेरा यही कहना था कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे मत बहको कि किसी की रिकॉर्डिंग आ गई, किसी की कुछ आ गई। फोटो किसी की भी नहीं आई है, अगर आप कॉल कर रहे हो रिश्तेदारों को तो बोल सकते हो एक फ़ोटो वीडियो खींच कर हमें व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं होगा, सच्चाई आप ही का नाम होगा। मेरे को तो लग रहा है आप मेरे को व्यू बोल रहे हो, जो सच्चाई वाली वीडियो डालेंगे ना तो उसको व्यू ज़्यादा मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप फैमिली से बात कर रहे हो तो एक फ़ोटो वीडियो मंगा के उस पर डाल दो। अदरवाइज अगर ऐसा झूठ बोलना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मैं वीडियो बनाती रहूंगी। मुझे रोज धमकी दो, मुझे रोज मैसेज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो व्यू हो चाहे कुछ भी हो, जो सच है मैं वही बना रही हूँ। और बाकी आगे आप लोग भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ये वीडियो मेरी सबके लिए नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ मेरे हेटर्स के लिए हैं, जो मुझे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे धमकी वाले कमेंट्स कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और आप लोग मेरे को धमकी देते रहें, आप लोग मुझे ऐसे धमकी वाले कमेंट मैसेज करते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मुझे देखना चाहेगा, जो मुझे प्यार करेगा, जिसको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी वही मुझे लाइक करेगा। और आप लोगों के लिए तो मैं ये सब बना ही रही हूँ, क्योंकि जो सन की इंसान होते ना उनको किसी की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, जो लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखना, मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी। और उनकी मैंने और भी मैंने सोची है कि मैं किसी को उनके आसपास के यहाँ भेज के फ़ोटो वीडियो मैं खुद मंगवा के और खुद मैं लगाऊंगी। अब मैं किसी और YouTube वालों पे विश्वास नहीं करूंगी कि जी उसकी वीडियो आ गई तो वो सच है, उसकी वीडियो आ गई तो सच नहीं। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ किसी के थ्रू कि वहाँ उनके घर तक कोई पहुँचे और घर तक की कोई वीडियो फ़ोटो बना के मेरे लिए लेके आए। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक की थी। बाकी जिसको पसंद आए वो भी लाइक करना, जिसको ना पसंद आए वो तो देखना ही मत, ठीक है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और वेट करते हैं। बाकी सच की हमेशा जीत होती, तो सच की जीत होगी। अब चाहे जो भी सच्चाई हो, जीत उसी की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।